शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो डॉक्टर सातो स्पीकिंग, आप फॉरेन योगा में चलाइए। ऑल राइट साइकिल स्पीकिंग, क्या इनोसेंट बारू जहाज ड्राई डॉक पे है और डॉक्टर सातो कहीं चले गए हैं? ऐसे ठीक है, मैं बाद में तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू। मे आई कम इन सर? यस कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टोक्यो में इंडियन एम्बेसी में डॉक्टर सातो की जो बेटी अमेरिका में काम करती है उसे मिल चुके? यस सर, उन्हें मैं कुछ नहीं मालूम सर। कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, कल मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। ओह आई सी सर, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे डॉक्टर सातो का पता चाहिए। ऑल राइट सर, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जहाँ खड़े हैं वही खड़े रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आखिर चाहते क्या हो? किस लिए आए? मैं कामकाजी का आदमी। कामकाजी? आप शिपिंग कंपनी चलाते हैं तो कामकाजी के बारे में जरूर सुने होंगे। द डेंजरस स्मगलिंग सिंडिकेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यस, कामकाजी इज वेरी डेंजरस And very famous too. अब आप चाहे जितनी तलाश करें, आपकी मुलाकात डॉक्टर सातो से फिर नहीं होगी। उन्होंने आपके नाम पर स्टार अवेजा का सैलोजिन राइट खरीदा था। अब वो आप राइट 7 दिन के अंदर सुरेंडर कर दें, ताकि उसकी रिएक्शन हो जाए। अगर मैंने सरेंडर नहीं किया तो? यू मस्ट, ये कामकाजी का हुक्म है। अब आज से 8वें दिन हमारी मुलाकात फिर होगी, और वो मुलाकात कहाँ होगी और कैसे होगी वो आपके ऊपर है। गुड नाइट। चौंका दिया ना? अरे भाई, मैं भी इसी होटल में ठहरा हूं। बोर्ड पर तुम्हारा नाम देखा तो चला आया। लेकिन आप अचानक निकोसिया में हैं? समझे नहीं? अरे समझोगे कैसे, मनुष्य जीवन इतना रहस्यपूर्ण है हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम निकोसिया में क्यों आए ये समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बात यह है कि एक खास आदमी से। जानता हूँ जानता हूँ। अरे डॉक्टर सेटो के इनोसेंट मारू जहाज यहाँ के ड्राई डॉक में खड़ा है। अरे डॉक्टर सेटो भी तो यही था, लेकिन वो गया किधर? लेकिन उसको मिले बिना तुम्हारा निकोसिया ना बेकार साबित हुआ। मैं डॉक्टर सातो से मिलने आया हूं, ये खबर आपको कैसे और किसने दी? किसी ने नहीं दी। सिंपल मैथमेटिक्स, सीधा हिसाब का खेल, इंट्यूशन भी कह सकते हो। साइकिल साहब, हम सब गलत हैं, सब गलत हैं। सारी उम्र हम लोग गलती करके चले आ रहे हैं, जैसे अलादीन का चिराग। हम जानते हैं उसमें कुछ सच नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं। अरे हाँ, तुम कलकत्ता कब जा रहे हो? कल। ओ वंडरफुल वंडरफुल, शुभ यात्रा शुभ रात्रि। What nonsense!
तुम होश में तो हो ना? बिल्कुल, ये तो चावा के सही वक्त पर शिविंदर ने मुझे हांगकांग में टेरेक्स कर दिया। शिविंदर ने हांगकांग में टेरेक्स किया, लेकिन मैंने तो उस चार्ट के बारे में ये बात इसे जिक्र तक नहीं किया। यकीनन कहा। नहीं जी, बिलीव मी, नहीं। शायद तुम्हें अभी याद नहीं रहा। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हिमाद्री मेरे साथ विश्वासघात करेगा, मेरे साथ। खैर, आई एम ग्रेटफुल टू डेंजे, तुमने टेलेक्स देखकर मुझे बचा लिया। क्या तकदीर पाई है मैंने। गया था इनोसेंट मारू का प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो हुआ नहीं, और फंस गया सी क्वीन के प्रॉब्लम में। डोंट गेट अपसेट। देखो, इसके बारे में अभी हिमाद्री से कुछ मत कहना। इससे पहले हमें डॉक्टर सातू से इनोसेंट मारू जहाज के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, समझे? ओह माय गॉड, वी आर ऑलरेडी लेट। चलो गाड़ी में चलते चलते बातचीत करेंगे। कम, लेट्स गो। क्या हो? प्रेमी के रूप में इंटरपोल एजेंट, मैंने तुम पर विश्वास किया था, और तुम गेट आउट। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। ये आप क्या कह रहे हैं? शट अप। तुम्हारी सिफारिश पर इस शैतान को नौकरी पर रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये नीच बेईमान इज अ क्रूकेड शैडो ऑफ द इंटरपोल डिपार्टमेंट। अब फिर भी तुम खड़े हो सरविंदर, इसे धक्के मार के घर से निकाल दो। इसकी कोई जरूरत नहीं। समंदर में जहाज पर छापा मारना जितना आसान है, किसी के घर में घुसकर छापा मारना उतना आसान नहीं है, है ना मिस्टर चौधरी? पिस्तौल मेरे पास भी है सरविंदर, और इसका जवाब सही वक्त पर दूंगा। ये आपने ठीक नहीं किया डैडी। हिमाद्री इंटरपोल का एजेंट है, ये मैं नहीं मान सकती। न मानने का कारण? जिस आईने में सूरज साफ दिखाई दे, तो आईना खोटा नहीं होता डैडी। क्या कहा?